अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 92,520 के आसपास एक हाई लगाने के बाद क्लोजिंग की तरफ रवा दवा, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट सी वीडियो अभी फ़ौरन से बना ली जाए, फिर इंशाल्लाह डिटेल में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आज क्लोजिंग भी अच्छी रहेगी, और ये वीकली बेसिस भी क्लोजिंग जो है नवंबर का वीक स्टार्ट है, और इस वीक की क्लोजिंग भी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज माशाल्लाह इलेक्शन भी US के कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर एक पॉलिटिकल जो ग्लोबल विलेज में एक काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था इलेक्शन का, वो भी मुकम्मल होंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद इक्विटी मार्केट्स अच्छा रिएक्ट करेंगे। हमारी आल दो पहले ही से रिएक्ट कर रही थी, और बड़ा ही एक अच्छे ट्रैक पे काफ़ी अरसे से चली आ रही है, तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो चलते मार्केट के एनालिसिस की तरफ। जो स्टॉक्स अभी ओवर बॉट एरिया में जा चुके हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, उनमें बाइंग करना, तो डेली जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और डे ट्रेडिंग के हिसाब से रिस्की होता है, आल दो अगर उसमें अगर आप स्टॉप लॉस के साथ जाएं तो उसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी उनके अंदर पोटेंशियल बाकी है। PIBTL ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि इसका आप हाई देख लें और लो देख लें, तो अभी इस रेंज में है कि अगर आप इसको बाय करें तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें भी आपको वॉल्यूम नज़र आ सकता है। फिर इसके साथ साथ फौजी फूड्स है, फौजी फूड 10 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख के इसको भी बाय कर सकते हैं। साथ साथ सेंचुरी पेपर्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, आज सेंचुरी पेपर ने बड़ी अच्छी मूव दी है, तो 25 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय करें तो ये आपको 30 रुपये के आसपास आपको इसमें भी मूव नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। फौजी फूड्स का जिक्र हो चुका है, सेंचुरी पेपर्स का हो चुका है। इसके साथ साथ जो स्टॉक्स आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से सूट करते हैं उनके अंदर आप अगर एंट्री लेना चाहें तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप इनिशियल आप एंट्री ले सकते हैं। मार्केट्स का जो 100 इंडेक्स का स्टॉप लॉस होगा वो आई थिंक आप बड़ा यूज़फुल और एक बड़ा ये स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस साबित हो सका है 92,000 का। 92,000 को अगर आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही ऊपर ग्रीन जोन में रहे तो आप इसके अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर बाइंग करते हैं और स्टॉप लॉस के साथ, तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट अपना भी आप अपने हिस्से का प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसी तरह से करेगी, और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह माशी लिहाज से भी खूब तरक्की करेगा। तो इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर डिटेल में इस मार्केट का एनालिसिस को मैं ज़रूर आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।